वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट। भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग चलते हैं हिस्ट्री के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसे हम 1857 का क्रांति भी बोलते हैं, और ये इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला क्रांति था। तो इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो लगातार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक के आज हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जितने भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, और इनके एक और क्लास हम सब्जेक्टिव टाइप में लाएंगे, जो इनके जो भी रियल फैक्ट हैं उन पर चर्चा करेंगे। बात रही इस कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो इनके पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और भी टॉपिक अपडेट करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से ये पीडीएफ मिल जाएगी, और इनके आंसर लास्ट में आपको पीडीएफ में देखने मिल जाएंगे। आइए हम लोग बात करते हैं आज की जो भी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनका बात करते हैं, तो जो जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो हम एक एक कर देखते हैं, और आप लोग देख लगा के देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं सभी एग्ज़ाम के लिए। बिहार में जो भी एग्ज़ाम अभी आएंगे, जैसे बिहार दरोगा, SI या बिहार पुलिस, ये सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात कर लें, सबसे पहले बोला गया है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो आप लोग को पता होगा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। डिटेल में हम जब सब्जेक्टिव करेंगे तो इनके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे कि जो क्यों हुआ था और किस लिए मेरठ से हुआ था, वो डेट वगैरह सारे ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। पर हम जब इनके सब्जेक्टिव करेंगे तो इनकी चर्चा करेंगे। तो आज पहले आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिए और अपना देख लीजिए कितना आपका सही हो रहा है। तो 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था मेरठ से। आगे है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, जो उस समय जो हुए थे विद्रोह उनका रियल यानी कि तत्कालीन कारण क्या था। तो देखिए, उस टाइम जो हुआ था चर्बी वाले करतूस का प्रयोग आरंभ करना, यानी कि जिसमें सुअर की मांस की लगी होती थी और गाय के, और जो भी हिंदू और मुस्लिम सेना में भर्ती थे उस टाइम, तो उन्हें वो कारतूस दिया जाता था और उसे मुंह से खोलना पड़ता था, जिसके कारण वो सेना ने इनकार कर दिया और ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आज के, वो पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले करतूस का प्रयोग से इनकार कर दिया। तो देखिए, पहले वो सिपाही थे जिन्होंने ये इनकार कर दिया कि जींस को करने से, तो वो मंगल पांडे थे। मंगल पांडे का भी डिटेल जानेंगे वो सब्जेक्टिव में, आज हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। आगे है, मंगल पांडे जिन्होंने जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया था, तो वो किससे संबंधित थे। संबंधित थे मतलब कि वो जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे, ये बटालियन था, इनसे जुड़े हुए थे। और बात कर ले इनकी जगह की बात कर ले, तो ये बैरकपुर कोलकाता वेस्ट बंगाल जो होते हैं वहाँ से ये थे, और वहाँ इन्होंने विद्रोह किया था सबसे पहले। आगे है, बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह के नेतृत्व में किस शहर से नेतृत्व किया था। तो इनके भी डिटेल देखेंगे, जो अभी इम्पोर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं। बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से नेतृत्व की थी। आगे का क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिए, ये थे उस टाइम जो 1857 का विद्रोह हुआ था, तो लॉर्ड कैनिन थे। लॉर्ड कैनिन क्या थे, वो गवर्नर जनरल थे। आगे क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय नेताओं में से कौन से सबसे अपना बलिदान पहले दिया था। तो ऐसे कौन से जो विद्रोही नेता थे उन्होंने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो बात कर ले सबसे पहले, तो आप लोगों को पता होगा कि मंगल पांडे को सबसे पहले क्या किया कि फांसी दे दिया गया, और इसके चलते इसके दो ही दिन बाद, यानी कि इनको जिस दिन फांसी पड़ा यानी कि 10 मई से फिर ये स्टार्ट हो गई।
इनका विद्रोह 1857 में ही। 1857 में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कानपुर वाला, जो है कानपुर वाला काफ़ी पूछ लिया जाता है। तो ये वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह और तात्या टोपे दोनों ने नेतृत्व किया था। लेकिन यहाँ पूछा गया है आपको, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में ध्यान देना होगा कि सैनिक पूछा है, सैनिक का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने, ये याद रखिएगा। वीर कुंवर सिंह काफ़ी पहला ऑप्शन रहता है और पूछ लिया जाता है कानपुर में, लेकिन यहाँ सैनिक अगर रहेगा तो सैनिक का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शक्ति, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उनकी शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो बात कर ले, उसकी शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था आपको, ये नाना साहब नेतृत्व किया था, झांसी की रानी ने नेतृत्व की, या बहादुर शाह का सहयोग था, या हिंदू मुस्लिम एकता। तो देखिए इसमें क्या था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक में मिलकर की थी, तो इसलिए ये दोनों की एकता को दिखाता है। इसलिए ये विद्रोह का सबसे जो इम्पोर्टेंट, यानी कि बोले तो शक्ति जो था, ये हिंदू मुस्लिम का एकता था। आगे है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो देखिए सभी को पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से लड़े थे और इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। इनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। आगे क्वेश्चन है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने जो इनके मत पूछ रहे हैं कि ये जो भारत के जो थे शिक्षित और मध्यम वर्ग, ये क्या किए थे कि 1857 की क्रांति पे ये क्या किए थे? तो देखिए ये जो थे 1857 की क्रांति से दूर रहे थे, जिसके कारण असफलता कारण एक ये भी रीजन था कि जो भी इनमें मध्यवर्ती वर्ग थे इस क्रांति से दूर थे। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, ये करेक्ट है। आगे है, वह पहला भारतीय सिपाही था जिन्होंने एनफील्ड राइफल, जिनमें चर्बी लगे करतूस का प्रयोग होता था तथा प्रयोग से इनकार किया। तो देखिए वह सबसे पहले क्या किया कि जो एनफील्ड राइफल उस टाइम न्यू बना था और उसी में चर्बी लगे करतूस होते थे, सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था, इनकार किया था। आगे है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जन मेजर ह्यूजसन को गोली मारकर और तथा लेफ्टिनेंट बोक की तलवार से हत्या कर दिया था। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि मंगल पांडे ने पूछा जाएगा कि सबसे पहले सर्जन मेजर ह्यूजसन को किसने हत्या कर दिया, तो सबसे पहले जो इस 1857 का स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हुआ था। मंगल पांडे ने क्या किया कि ह्यूजसन की हत्या कर दिया और लेफ्टिनेंट बो को भी हत्या कर दिया। तो इसमें पूछा जाएगा कि जो इंग्लैंड के तरफ से छे उनमें सबसे पहले किन की हत्या हुई थी, तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे है, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल को क्या किया गया था, इनको फांसी दे दिया गया था और 10 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, यानी कि ये सभी पॉइंट सही है। ऑप्शन देख ले तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएंगे। डी ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4 पूछे जा रहा है कि इसमें से कौन कौन से कथन सही है, तो ये सारे सही हैं। आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए पूछ रहा है कि ब्रिटेन, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मरस्टन था, कौन थे? तो पाल्मरस्टन। आगे है, सुमेलित कीजिए। अब देखिए ये देख दिया गया है विद्रोह का क्षेत्र और उस समय वहाँ के नेता कौन थे, यानी कि उनको नेतृत्व कौन थी। मेरठ की बात कर ले, मेरठ से कदम सिंह ही किए थे। आगे है, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय था, उस समय मुगल का जो है भार संभाला था बहादुर शाह द्वितीय। बात कर ले हरियाणा का राव तुलाराम ही थे, और बरेली की बात कर ले तो खान अब्दुल गफ्फर खान। तो इसका ऑप्शन हो ए हो जाएगा, सभी सेम है। मेरठ में कदम सिंह, दिल्ली का बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा का राव तुलाराम, और बरेली का खान बहादुर खान। बरेली का इम्पोर्टेंट है खान बहादुर खान, इसे रख लीजिएगा क्योंकि ये पूछेगा। आगे 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने शासन सशस्त्र विद्रोह किया? तो देखिए उस समय
पंजाब में क्या हुआ, जब 1857 के क्रांति में जो एक विद्रोह हुआ, सशस्त्र विद्रोह हुआ, तो उसमें कौन शामिल थे? तो सैनिक द्वारा नहीं किया गया था, अकाली सिखों द्वारा, इसके द्वारा भी नामधारी सिखों द्वारा, इनके द्वारा भी नहीं किया गया था, निरंकारी सिखों द्वारा किया गया था। तो बात कर ले कौन किए थे, सॉरी ये निरंकारी नहीं, नामधारी सिखों ने ये किया था। तो नामधारी जो सिख थे वो पंजाब में विद्रोह किया था 1857 में, ये भी याद रखिएगा। आगे है बिहार में 1857 के क्रांति में नेता जो थे वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो देखिए सबको पता होगा कि बिहार का नेतृत्व किए थे वीर कुंवर सिंह। और बात कर ले इनकी मृत्यु कब हुई, तो इसका मृत्यु की बात कर ले तो 9 मई 1858 को हुआ है। कब हुआ है ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में नेता जो थे वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। तो देहांत की बात कर ले तो 9 मई 1858, डेट अब 9 मई याद रख लीजिएगा। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? तो बहुत सारे ऐसे इतिहासकार थे, इनमें अपने मत दिए थे, तो वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता। और यहाँ आज पूछा गया है कि जो भारतीय इतिहासकार थे वो क्रांति नहीं माने थे ने, तो आर सी मजूमदार थे, जिन्होंने क्या किया था कि जो ये इतिहासकार तो ये क्रांति नहीं माना था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठन में से संबंधित है? तो बात कर ले नव संगठन, यानी कि जो 1857 के क्रांति हुए तो उनमें एक उनके बाद एक गठन हुआ, मतलब एक संगठन बनाया गया कि ये क्यों हुआ। तो ये पील आयोग, ये पील आयोग द्वारा ये जांच किया गया, और इसमें 5 इंग्लैंड थे और 3 भारतीय थे, ये भी याद रखिएगा। पूछ लिया जाएगा कि कितने आयोग के सदस्य थे, तो 5 इंग्लैंड के ब्रिटिश थे और 3 भारतीय थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो उस टाइम 1857 के विद्रोह को कुछ कवि भी देखे थे, तो उर्दू कवि की बात कर ले तो उस टाइम मिर्जा गालिब क्या किए थे 1857 के विद्रोह को देखे थे, ये कौन थे, उर्दू कवि थे। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो देखिए अब बात कर ले सबसे कट्टर दुश्मन की, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ये जो थे इंग्लैंड के यानी अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन माने जाते थे। आगे हैं जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर का नेतृत्व कौन किया था या राजा कौन थे? तो बात कर लें जगदीशपुर बिहार में ही पड़ता है और वीर कुंवर सिंह ही थे। पूछ लिया जाएगा कि जो बिहार का नेता कौन थे या जगदीशपुर का नेता कौन थे, तो हो जाएंगे आपको वीर कुंवर सिंह। आगे हैं 1857 के विद्रोह के नेतृत्व में बिहार में किसने किया था? तो आप जानते हैं बिहार का नेतृत्व, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, वीर कुंवर सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया था। आगे है 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो देखिए असफलता का कारण क्या रहा है इसमें, जो जेन्युइन फैक्ट है उसमें उस समय क्या हो गया कि इनमें मुस्लिम एकता की कमी, ये इसमें कमी नहीं हुआ था, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तो ये देखिए उस समय जो था इनके सहयोग में कोई भी ऐसी संगठन नहीं थी भारत की तरफ से जो इनमें सहयोग कर सके, जिसके कारण ये क्या हुआ, असफल हो गया। आगे निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में किसर्डियंट की संज्ञा की थी? तो कौन ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को एक सर्डियंट के रूप में बताया? तो ये जेम्स ऑस्टम और डब्लू टेलर थे। ये कहाँ, ये ब्रिटिश ही थे, तो ब्रिटिश तो अपने वो उनके खिलाफ जो ये षडयंत्र हुआ, क्रांतिकारी हुआ, तो वो तो इनके
खिलाफ एक मत देंगे तो वो इनके पक्ष में नहीं देंगे। तो षड्यन मतलब क्या होता है, एक षड्यन रची हुई एक गथना गाथों को बताता है। तो इसलिए आप इस तरह भी आप मारिएगा जब भी आपको मारना हो। तो जेम्स ऑस्टर्न और डब्लू टेलर थे, वो ब्रिटिश थे और उन्होंने इन्हें बताया कि षड्यन के रूप में बताया है। आगे हैं, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो देखिए, खेतिहर मजदूर जो भी थे वो भाग लिए थे, वही कृषक भी भाग लिए थे। बात कर लें तो इसमें कौन भाग नहीं लिए थे, तो साहूकार और जमींदार ये सब भाग नहीं लिए, जिसके कारण असफल रहा था। तो ये हो जाएंगे 2 और 4 ऑप्शन। आगे हैं, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो आपातकालीन मुख्यालय बना दिया गया था किसको, तो उस समय आप जानते हैं कि जो भी गवर्नर जनरल होंगे तो वही काम किए होंगे। तो 1857 में कौन थे, कैनिन ही थे, तो कैनिन के द्वारा ही इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कौन सा था? तो गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र की बात कर ले तो कोल्हापुर ये था। आगे है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह, हाँ अभी हमने पीछे ही इनके बारे में चर्चा किए थे कि हम इनका काफ़ी बार ये बरेली पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये छुपे हुए क्वेश्चन है, क्योंकि सभी को याद रहते हैं कि जो भी झांसी, दिल्ली और कानपुर, उसके अलावा जो भी होते हैं वो एग्जामिनर का एक पॉइंट होता है जिसे हार्ड करने के लिए शिफ्ट को ये पूछ लिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, खान बहादुर जो थे, बॉ से बहादुर हो जाता है और बॉ से बरेली हो जाता है, तो बहादुर से याद रखिएगा बरेली में का कौन किया था, तो बहादुर। थोड़ी सी बैकग्राउंड आवाज़ आए तो आप लोग डिस्टर्ब नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ बहुत आवाज़ आती रहती है, तो कोई ऐसा जगह नहीं हो पाता है जिसे मैं कर पाऊँ, थोड़ी सी आप लोग मुश्किल होगी। आइए आगे बात कर लेते हैं। आगे है, आज़ादी की लड़ाई जो हुई थी 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो आप लोग को पता होगा कि जो 1857 और 1947 काफ़ी डिफरेंट होता है। तो बात कर लेते हैं, देखिए टाटिया टोपे थे, बहादुर शाह जफर भी था और लक्ष्मीबाई भी थे, लेकिन भगत सिंह की बात कर ले तो ये बाद थे, 1900 के बाद के ये हैं, तो इसलिए इस समय कौन भाग नहीं लिया था, तो भगत सिंह भाग नहीं लिए थे। आगे है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेज से संघर्ष किया? तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेज से संघर्ष किसने किया था? तो देखिए, शहादत खां थे, चंद्रशेखर आज़ाद, माखनलाल चतुर्वेदी और राम प्रसाद बिश्नोई, ये समय 1900 के बाद के ये सब क्रांतिकारी हैं। आगे हैं, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि उस समय एक मेन रीजन था क्या, धार्मिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर रहा था, तो ये अंग्रेज द्वारा धर्म में हस्तक्षेप करना, यानी कि हिंदू और मुस्लिम को बांटने का कार्य कर रहा था, उनके धार्मिक चीज़ों से वो खेलना चाह रहा था, इस कारण ये मुख्य कारण था। आगे है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता टाटिया टोपे का मूल नाम क्या था? तो टाटिया टोपे का मूल नाम पूछा जाए तो रामचंद पांडुरंग टाटा टोपे के मूल नाम थे। आइए कुछ दिए गए हैं, इन कथनों पर विचार करते हैं। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ थे, ये सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जब एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, ये भी सही है कि जब बाद में ये क्या लिया, भारत का स्वतंत्रता संग्राम के रूप में ले लिया, तो ये दोनों कथन सही हैं। आगे हैं, किस इतिहासकार ने लिखा था तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो देखिए, उस समय कुछ इतिहासकार थे, उन्होंने अपना मत दिया था। तो बात कर ले मत की इसमें, तो किसने इसे स्वतंत्रता संग्राम नहीं बताया था, 34 का क्वेश्चन।
तो ये आर सी मजूमदार थे जिन्होंने ये क्या कहा था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। आगे मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। तो मेरठ में जो है सबसे पहले मेरठ से ही 1857 का जो है क्रांति स्टार्ट हुआ था। और कहाँ से मतलब किस डेट से हुआ था तो ये आपको 10 मई से स्टार्ट हुआ था। 10 मई से वहाँ स्टार्ट हो गया था। 8 मई को फांसी लगा था और 2-3 बाद ही वहाँ विद्रोह स्टार्ट हो गया था। आगे है 1857 के समय सामयिक या समकालीन इतिहासकार हैं तो उस यानी कि जो 1857 के समय ही जो है इतिहासकार उनकी बात कर लें तो मुंशी जीवन लाल गुरदास बंदोपाध्याय, आगे है सैयद अहमद खां और मुहिद्दीन, ये सारे इतिहासकार थे। तो इस सारे का संबंध था 1857 से ही, तो ये सभी 1857 के समकालीन थे। आगे हैं वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजी द्वारा बंदी बना लिया गया। तो मित्र द्वारा धोखा टाट्या टोपे को मिला था और फिर उन्हें अंग्रेज पकड़ लिया और उन्हें बाद में फांसी दे दिया। आगे हैं निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा क्षेत्र है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, यानी कि 1857 का जो विद्रोह होता है तो कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां इनका प्रभाव देखने को नहीं मिला। झांसी में प्रभाव देखने को मिला, जगदीशपुर लखनऊ, बेगम हजरत महल लखनऊ से जगदीशपुर में का ये वीर कुंवर सिंह, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। चित्तौड़ का जो है इस पर प्रभाव नहीं पड़ा था 1857 के। 39 नंबर क्वेश्चन है प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। राष्ट्रीय आंदोलन के आधार में कमजोरी उसका। आगे है इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों को संकीर्ण हितों की लड़ाई लड़ना पड़ा। तो देखिए इसमें जो है किसी के हित के लिए लड़ाई नहीं लड़ा गया था। ये जो है प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन थी और उसका कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। तो ए सही है और आर इसका गलत है। आगे है इस मिसाइल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना को एचिसन के इस कथन का संबंध है, यानी कि ये जो कथन कह रहा है कि जी कौन से ऐसे घटना जो मुसलमान और हिंदुओं को भिड़ा नहीं सकी थी। तो ये 1857 का ही क्रांति है जो हिंदू और मुसलमान इसमें भिड़े नहीं थे, यानी कि ये दोनों मिलके ये लड़ाई लड़ी थी। आगे है सुमिलित कीजिए। आगे है कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह का आप संबंध जानते हैं, वीर कुंवर सिंह का जो है कहाँ से है तो जगदीशपुर से। वही टाट्या टोपे की बात कर लें ग्वालियर और कल्पी से है। तो आप देख लीजिए डी का 4 हो जाएगा तो ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इनका। आगे है इलाहाबाद बनारस लियाकत अली था और फैजाबाद मौलवी अहमद अब्दुल्ला था। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर द्वितीय को अपना सम्राट घोषित किया था। तो ये 12 मई 1857 को जो है मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जो है दिल्ली पर मुगल सम्राट बने थे। आगे हैं झांसी। तो आप लोग पता है झांसी का नेतृत्व किसने किया था, लक्ष्मीबाई। फतेहपुर का अजीमुल्ला, मथुरा देवी सिंह और संबलपुर सुरेंद्र साई। तो ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये सारे सेम हैं। आगे हैं 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। तो बोल रहा है कि दिल्ली का नेतृत्व तो उस समय बहादुर शाह द्वितीय ही वहाँ के मुगल सम्राट बने थे और दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय जफरी ने किया था। आगे हैं सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है तो दिल्ली का, दिल्ली जो है
इनमें जो है ब्रिटिश दमनकारी करने वाला ब्रिटिश अधिकारी, यानी कि ब्रिटिश अधिकारी उधर से ब्रिटिश अधिकारी भी लड़े थे और इधर से नेतृत्व कर रहे थे जो भी भारत के थे, जैसे दिल्ली का, तो दिल्ली का तो बहादुर शाह जफर इधर से कर रहे थे, लेकिन उसके जो है अपोजिट साइड कौन उनसे लड़ रहे थे, तो निकलसन और हडसन इसके द्वारा लड़ रहे थे। वहीं कानपुर में हैवलॉक और कैंपवेल, झांसी में घुरोस और इलाहाबाद में कर्नल नील सिंह, तो सेम सेम ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इनका। आगे बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह को दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारियों को जाता है, तो देखिए जो जगदीशपुर में जो थे बिहार में के जगदीशपुर में इनके विद्रोह यानी कि ब्रिटिश तरफ से जो सैनिक थे वो कौन थे, तो टेलर और विंसेंट अय्यर ये ब्रिटिश अधिकारी थे जो जगदीशपुर में विद्रोह को दमन करने के लिए आए थे। आगे यहाँ 1857 के विद्रोह को क्रम में दिल्ली के विद्रोह को दमन करने के लिए किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी, तो उस समय निकलसन और हडसन तो ब्रिटिश किए थे लेकिन निकलसन की मृत्यु हो गई थी और हडसन ने इसे दबा दिया था, ये भी याद रखिएगा। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी, बात कर ले हैवलॉक की मौत की तो ये लखनऊ में हैवलॉक की मौत हो गई थी, ये ब्रिटिश अधिकारी थे। सर्वप्रथम किसने 1857 के तुरंत बाद एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो कौन ऐसे थे इतिहासकार जिन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। राष्ट्रीय विद्रोह की बात कर लें तो बेंजामिन डिज़ियार्ली ने बताया था कि ये क्या है, राष्ट्रीय विद्रोह है। आगे है इसको सैनिक विद्रोह किसने बताया था, तो देखिए 1857 में जो भी विचारधारक थे इनके रिलेटेड जो मत दिए थे तो इसे सैनिक विद्रोह बताया था सर जॉन लॉरेंस ने। वहीं बात कर ले राष्ट्रीय विद्रोह की बात कर ले तो बेंजामिन डिज़ियार्ली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र टेलर और आउट्रम पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, और सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने इसे सामंती विद्रोह बताया था, तो ए नंबर ऑप्शन इनके हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लवन को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी, तो देखिए बीडी सावरकर ने ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी 1857 की क्रांति को, किसने, तो बीडी सावरकर ने। आगे है किसने मत में 1857 की क्रांति को आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह बन गया था, तो अभी हम लोग बात किए थे तो इन्होंने 52 नंबर का हो जाएगा आपको, ये आरंभ में ये सैनिक विद्रोह था और बाद में राष्ट्रीय बन गया, तो ये एम एन सेन जो थे इन्होंने बताया था कि जो पहले ये सैनिक विद्रोह थे और बाद में क्या राष्ट्रीय विद्रोह बन गया। 1857 के संदर्भ में किसने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता ही की क्रांति है, तो इसे कार्ल मार्क्स ने, जर्मनी के जो थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने बोला था कि यह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए यह भारत जनता की क्रांति है। आगे है इसे सम्मिलित करना है, कार्ल मार्क्स अभी ही हम लोग पढ़े थे, इनका कौन सा पुस्तक है, कार्ल मार्क्स द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 की क्रांति को जो है सबसे पहले किसने बताया था, तो ऑप्शन देख लेते हैं, चलिए ये है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कार्ल मार्क्स ने बताया था, ये इनकी पुस्तक है 1857 की पुस्तक में इन्होंने बताया था। एक 1857 सिर्फ 1857 क्रांति के नाम से पुस्तक है जिसे एम एन सेन ने लिखा है। द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट की बात कर लें सैयद अहमद खान द्वारा लिखा गया है, वहीं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो बी डी सावरकर द्वारा लिखे गया, यानी कि सबके सेम हो जाएंगे। आगे हैं
जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह को दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो देखिए, सिख, गोरखा और पठान, ये तीनों क्या किए थे कि अंग्रेज का सहयोग किए थे। ये सभी क्या किए थे? अंग्रेज का सहयोग किए थे 1857 के क्रांति में। आगे हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेश और ब्रिटिश सरकार की सहायता निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो इसमें देखिए जो है, किसने मदद नहीं की थी? कश्मीर के साथ साथ ब्रिटिश के क्या किए थे? सहायता किए थे। मेवाड़ के राजा भी किए थे और ग्वालियर के सिंधिया भी उनके किए थे, पर सतलज के इस पार के राजा के सिखों ने ये सभी क्या किए थे? कश्मीर के राजा, सतलज के पार के सिख और ग्वालियर के सिंधिया, ये ब्रिटिश के सहयोग किए थे। मेवाड़ के जो राजा थे इनके सहयोग नहीं किए थे। तो ये हो जाएंगे बी नंबर ऑप्शन इनके। आगे हैं, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय शहीद हो गए थे। निम्नलिखित में कौन से नेता बाद में फांसी दी गई थी? तो मतलब कि जितने भी नेता थे भारत की तरफ से, और उनको उसी टाइम मृत्यु हो गई थी, लेकिन बस एक बाद में उनको फांसी दिया गया था। तो टाट्या टोपे थे, इनको पकड़ लिया गया था और बाद में इसको फांसी की सजा दिए थे। आगे हैं, 1857 के विद्रोह को कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो उस टाइम सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा गया था किसको? तो बहादुर शाह जफर, जो दिल्ली के नेतृत्व कर रहे थे, तो इनको सबसे कमज़ोर रूप में इसी को देखा गया था। आगे 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने को कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो देखिए, रंगून में कर्नल नील ने, यानी कि रंगून से इनसे गिरफ्तार किया गया था। और इसमें हो जाएंगे, रंगून से नहीं किया गया था, इनको हुमायूं की कब्र के पास जो दिल्ली में ही है उसको, और लेफ्टिनेंट हडसन की मृत्यु नहीं हुई थी तो इन्होंने इसको वहाँ से पकड़ लिया था। ये हार गए थे और छुप रहे थे तो इनको वहाँ से पकड़ लिया गया। आगे 1857 के विद्रोह में असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया? यानी कि अब इसे क्या किया गया था कि वहाँ इसे कैद करके और रंगून भेज दिया गया था। आगे है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिनका 1857 के विद्रोह में दमाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो हैवलॉक की बात कर लें तो इन हैवलॉक के भी सभी की रही, लेकिन कैंपबेल के सबसे ज़्यादा बात कर लें तो इसको दमाने का जो है कैंपबेल को सबसे ज़्यादा भूमिका रही है कैंपबेल की। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता था? अछूता की बात कर लें तो इसमें अवध इसके अछूता नहीं था, अवध इसमें था, पूर्वी पंजाब भी इसमें था, पंजाब में विद्रोह हुआ था आप लोगों का, और मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र था, लेकिन मद्रास का क्षेत्र इसमें शामिल नहीं था, मद्रास इनसे अछूता था। आगे है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सेना अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है? तो ये लक्ष्मीबाई के बारे में बताई थी, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जिनकी मणिकर्णिका नाम है, तो उनके बारे में बताया था कि यह भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द हैं। आगे है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? तो उस समय उसका कमल और चपाती जो थे इनके चिन्ह के रूप में, इस क्रांति के चिन्ह के रूप में निश्चित किया गया था। आगे है, 1857 के विद्रोह में कौन से नेता ब्रिटिश दमन चक्र को दमाने पर नेपाल भाग गए थे? तो देखिए, नाना साहब, बेगम हजरत महल और बहादुर खान, ये तीनों कहाँ भाग गए थे? नेपाल में इनकी मृत्यु हो गई थी, फिर दमन चक्र के कारण इसके नेपाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो बात कर ले
कौन से ऐसे थे जो इंग्लैंड से यानी कि ब्रिटिश से मिलकर और सडियन का आरोप लगाया गया है, तो वो है जीतन महल। जीतन महल क्या किए थे, ब्रिटिश से महल कर और सडियन किए थे। आगे है सुमिलित कीजिए, सुमिलित कीजिए खुर्दा उड़ीसा का पाइका विद्रोह, ये 1804 से 1806 ईस्वी तक हुआ था। त्रावणकोर के दीवान बेलुंगपंथी का विद्रोह, ये 1808 से 1809 के बीच हुआ था। किट्टूर मैसूर शासक की विधवा किट्टूर चिन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 29 में हुआ था। और गंजाम के जमींदार धनंजय भाजपा का जो है 1835 में, यानी कि ये सभी सेम हो जाएंगे, सेम से हैं। आगे है सम्मिलित कीजिए रामोसी विद्रोह, गडकरी विद्रोह और सातवाड़ी विद्रोह। तो रामोसी विद्रोह 1822 से व 25-26 तक चला था, गडकरी विद्रोह 1844 और सातवाड़ी विद्रोह 44 में ही चला था। महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को विक्टोरिया ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की, तो महारानी विक्टोरिया जो है भारत की ताज पहनने वाली थी, तो वो कौन सा डेट था, वह डेट है अपने 1 नवंबर 1858, यानी 1857 की क्रांति जैसे ही समाप्त होती है उनके बाद महारानी विक्टोरिया भारत की प्रशासन की ताज पहन लेती है। आगे है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था, यानी कि देखिए जो गोरखा सिख और पंजाबी जो थे ये ब्रिटिश के क्या किए थे, साथ दिए थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था इन सिपाहियों को, विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था, तो इनका चयन किया था इन्हीं जो इनको प्रांतों से चयन किया था कि जो ये सिपाही जो है विद्रोही हैं। आगे है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, तो उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताना है जिन्होंने अपना जीवन खो दिया था, यानी कि जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस, इन्होंने अपना क्या किया था कि 1857 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आधुनिक इतिहासकार ने कार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था वो थे एम एन सेन, कौन थे एम एन सेन द्वारा ये बताया गया था, बीडी सवारकर द्वारा बताया गया था कि ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो आप लोग को पता करना कि इनमें से कौन सा ऐसा नहीं था, तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, तो इसमें कहीं शिक्षित या किसी भी के द्वारा इसमें समर्थन नहीं किया गया था, बाकी ये सभी सही हैं ये गलत हैं, तो यही हो जाएंगे इसके ऑप्शन। आगे हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो एम एन सेन जो है ये उस टाइम के सरकारी इतिहासकार थे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं, तो मंगल पांडे की बात कर लें तो पहले हमने बात की है तो बैरकपुर जो है ये वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से इलाहाबाद 1857 के नेता कौन थे, तो इलाहाबाद की बात कर लें तो मौलवी लियाकत अली हैं, मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद के संग्राम के नेता थे। तो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा कि आप लोग देखे होंगे और इसमें आपको लास्ट में आंसर भी मिल जाएंगे, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना अगर पीडीएफ से पढ़ना है, या आप वीडियो को रिवाइज करके आप सुन सकते हैं और सुनने से आपको याद हो जाएंगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है आपको। 1857 की क्रांति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इनके बच गई ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया, इनके बाद हम एक सब्जेक्टिव लाएंगे, इनके सारे फैक्ट लाएंगे कि कौन कैसे क्या किस कौन कैसे और क्या कैसे ये विद्रोह हुआ, किस कारण से है, कैसे दबाया गया, कौन कौन से ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।